नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,851 की, और लास्ट वीक से देखेंगे तो लगभग इस वीक हम 350 पॉइंट नीचे गिरे हैं। यानी ध्यान से देखेंगे तो 350 पॉइंट हम इस वीक में गिरे। ये वाली जो कैंडल है वो लगभग 680 पॉइंट की है, ये वाली कैंडल जो है वो लगभग 588 पॉइंट की है, और ये वाली जो कैंडल है वो लगभग 600 के आसपास की है। तो टोटल अगर ऊपर से देखा जाए तो 300 से हम आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे 43,800, तो लगभग हम 2500 पॉइंट निफ्टी में गिर चुके हैं। चार वीक में हम 2500 पॉइंट निफ्टी में गिर चुके हैं, और गिरते गिरते हम कहाँ पे आ चुके हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखिए ध्यान से अगर आप वीडियो को देखते हैं, लास्ट वीक भी मैंने ये बताया था, इस वीक भी यही बता रहा हूँ कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ना निफ्टी पे, वो है 43,666 से लेकर के 43,511। इस लेवल पे नजर बना के रखिएगा, ये 150 पॉइंट की रेंज है। 43,511 से लेकर के 43,666 तक आज की भी ओपनिंग इसी लेवल के आसपास हुई, और यहीं से बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में गया और 43,957 का हाई लगा के फिर वो नीचे की साइड में आया। पिछले कई दिनों से मैं आप लोग से ये बताते हुए आ रहा हूं कि डेली चार्ट पे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है 43,600। अब ये एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी अगर 43,511 के नीचे क्लोज करना ये स्टार्ट करता है, तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 42,777 का निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी कहीं 43,511 के नीचे क्लोज करता है, ध्यान रखिएगा ये 150 पॉइंट की जोन जो है वो स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर बैंक निफ्टी की तैयारी हो जाएगी 42,777 के लिए, ये नीचे की साइड में तैयार हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को 44,222, ये कई दिनों से आप लोग से बताते हुए आ रहा हूँ कि 44,222 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम नहीं बनेगा, और जब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और वापस इसको नीचे की साइड में लेके आएंगे। तो बायर तो एक्टिव तभी होंगे जब ये 44,222 के ऊपर ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी और वीक हो जाएगा 43,511 में। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, पिछले चार वीक से बैंक निफ्टी भी गिरते गिरते अपने सपोर्ट जोन के आसपास में आ गया। ध्यान रखिएगा ये सपोर्ट जोन 666 क्यों निकल के आ रहा, 43,666 क्यों निकल के आ रहा, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं चीज़ों को समझाता हूँ इसलिए बोलता हूँ, चार्ट को जरा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस कंडीशन में जो हम यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो यहाँ से हम जाके कहाँ पे रुके, इस जगह के आसपास, इस जगह की जो हाइएस्ट हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली है 43,633, यानी इस ग्रीन कैंडल, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है 43,633 की, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब मार्केट यहां से चढ़ता है और यहां पे कंसोलिडेट करता है, इस कंसोलिडेशन जोन में जो बैंक निफ्टी लो लगाता है वो देखिए यहां पे क्या है, ये देखिए ये रेड वाली कैंडल का जो लो है क्लोज क्या है, इस रेड कैंडल का क्लोज है वो है 43,622 का, यहाँ पे क्लोज है 43,622 का यहाँ पे क्लोज है, इसीलिए हमने जो लेवल निकाला है 43,511, इस लेवल को नज़र में रखिएगा, इस लेवल पे ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करना स्टार्ट करता है तो मेरे ख्याल से एक मोमेंटम जो होगा ना, वो मोमेंटम फास्ट मोमेंटम यहाँ पे आएगा, जो कि इसको 42,700 के पास तक लेके आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा ढंग ढंग का वो 42,700 42,600 के आसपास ही यहाँ पे बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक प्राइस एक्शन अब ये निगेटिव बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये अगर पिछले स्विंग लो, मैं बार बार आप से बोलता हूं कि स्विंग लो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ये पिछला स्विंग लो ये है, अगर इस स्विंग लो के नीचे क्लोज करता है तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 14 वीक के लोएस्ट प्राइस के नीचे हम यहां पे क्लोज होंगे। वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो 14 वीक के लोएस्ट प्राइस, यानी लगभग 3.5 महीने के लो पे हम जाके क्लोज करेंगे, अगर हमने इस लाइन के नीचे यहां पे क्लोज किया, यानी 511 के पास हमने क्लोज किया। तो देखिए लास्ट वीक मैंने ऑलरेडी आप लोग को मूविंग एवरेज बताया था कि मूविंग एवरेज हमारा जो था वो था 44,600 पे था, 44,000
600 के आसपास में हमारा मूविंग एवरेज था। कौन सा मूविंग एवरेज? 11 वाला मूविंग एवरेज। इस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया इसने। अब तोड़ के कहाँ पे आ चुका है? ये 22 वाले मूविंग एवरेज के पास में ये आ चुका है। तो ये सपोर्ट लेवल के आसपास में ही 22 मूविंग एवरेज भी बना है। मैं कंटिन्यू आप लोग को बार बार चीज़ें बताते रहता हूँ कि जब मार्केट गिरता है ना तो वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट की तलाश मत करो। सपोर्ट की तलाश का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम नई क्वांटिटी, बाइंग साइड की क्वांटिटी यहाँ पर जनरेट नहीं करेंगे। आप ये मत समझ के चलो कि यहाँ पर आप इस लेवल के पास आ गया तो यहाँ से हमें बाइंग करना है। यहाँ पर बाइंग का पैटर्न बनना चाहिए, हमेशा सपोर्ट के पास में बाइंग का पैटर्न बनना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास में सेलिंग का कुछ पैटर्न बनना चाहिए, तभी हम इसको सेल करेंगे या तभी हम इसको बाइंग करेंगे। या फिर ये क्या करे, यहाँ पे दो चार दिन यहाँ पे ट्रेड करे, एक वीक यहीं पे रुके और उसके बाद इसके लेवल को निकालेगा। जब तक ये 44,222 के ऊपर नहीं निकलता है ना, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये लेवल सपोर्ट है। ये मान के चलिएगा हमेशा एक सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसको ब्रेक करता है तब हम मानते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है। या जिसके पास पोजीशन होगी वो इस पोजीशन के पास अपना स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करता रहता है, नई बाइंग यहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे। हो सके ये इस रेंज को ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में और मोमेंटम यहाँ पे आती हुई दिखेगी। तो चलिए मैं मूविंग एवरेज पहले लगा के आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लगा लिया, सिंपल मूविंग एवरेज मैं लगाता हूँ 11, 22, 55, 111 और 222। ये मूविंग एवरेज मैं फॉलो करता हूँ, वो चाहे डेली हो चाहे वीकली हो। यहाँ पे अगर वीकली में आप देखेंगे तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 9 का रहता है यहाँ पे। तो 11 का जैसा कि मैंने बताया कि ये बना था कहाँ पे, 44,586 के पास में बना था, वहाँ से हम लगभग 100 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। अब इसको मैं 22 का कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो मूव बनेगा वो 22 के पास से बनेगा। कि अगर 22 के पास गिरना स्टार्ट करेगा, देखिए 22 का जो मूविंग एवरेज का है वो है 43,515 का, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि 43,511 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ये मूविंग एवरेज का, ये मूविंग एवरेज कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, हाँ इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, इस जगह पे आप देखेंगे तो दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 43,516 वहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा, इसीलिए हमारा जो सपोर्ट है वो है 43,511 का। इसके नीचे क्लोज करेगा तो बैंक निफ्टी और वीक होगा, और बैंक निफ्टी कंटिन्यू आ रहा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर ये रुक के गिरे ना, एक वीक अगर यहाँ पर समझ जाए या दो तीन दिन और यहाँ पर संभलने के बाद ये गिरेगा तो जो गिरावट होगी वो तेज़ होगी। इसी फ्लो में आ रहा तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा क्योंकि 600 के पास में ये दो तीन बार आ चुका है और के पास से ये कंटिन्यू 900 के पास में चला जाता है। तो कई बार तो बायर इसको 600 के पास से बाइंग कर रहा है, लेकिन इस बार अगर ये 600 को 666 या 600 को ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से ये तेजी से 43,300 के पास में डेली चार्ट में ये आते हुए आपको दिखेगा। तो यहां पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। बाइंग साइड में अगर मोमेंटम ढूंढना है तो फिर ढूंढिएगा 44,222 के ऊपर क्लोज करने के बाद में। दोस्तों अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, लायंस ब्लू, फायर, आईसीसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके, डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद जो हम डेटा अपडेट करते हैं वो अपडेट करते हैं 15 और 30 को। तो 15 और 30 को डेटा अपडेट होने के बाद में आप हमारा आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग ऐप को जाके डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से या एप्पल स्टोर से। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जब भी आप अकाउंट ओपन कर लेंगे, अकाउंट ओपन होने के बाद में वो वीडियो आपको दिखने लगे। अकाउंट ओपन होने के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और डेटा आपका 15-30 को अपलोड हो गया, उसके बाद से जाकर के आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जो ट्रेनिंग की वीडियो वहां पे मैंने डाल के रखी, उस वीडियो को कभी भी आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी चीज को सीखने के लिए ना आपका ध्यान कंसिस्टेंस प्रॉफिट पर नहीं जाना चाहिए। आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे तो मतलब आप सीख नहीं रहे हो। 6-8 महीना देखिए, आपने साल भर 1.5 साल 2 साल दिया होगा, 1.5 साल आप और दे दो लेकिन सीखने के लिए दो। आप ये मत समझो कि 1.5 साल में मुझे कमाना है, ये समझो कि इस 1.5 साल मुझे सीखना है और उसके बाद मुझे कमाना है। तो देखिएगा मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, मार्केट आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा, फिर आपको चार्ट क्लियर कट दिखना स्टार्ट होगा। जब तक आप प्रॉफिट लॉस देखोगे ना आपको चार्ट दिखेगा नहीं। हर 5 मिनट में आपको ट्रेड दिखेगा, हर 5 मिनट में आपको कॉल बाइंग करेंगे, हर 5 मिनट में आप कॉल पुट बाइंग करेंगे, तो इस तरह से आपका कुछ भी भला यहां पर होने वाला नहीं है। तो 1.5 साल 1.5 साल भले टाइम लगे लेकिन चीजों को सीखो, समझो और उसके बाद देखो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।